गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज नया व्लॉग हम निकले हैं, हरने स्टेडियम पे जा रहे हैं। तो अपने साथ है आज आतिम भाई और नासिर भाई। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। तो हम लोग जा रहे हैं हरने स्टेडियम पे व्लॉग बनाने। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय व्लॉग, माय नेम इज हातिम। योर नेम इज हातिम। तो बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि फुरुस टू दापोली ऐसा टूर चाहिए था। तो हम अभी जा रहे हैं इधर से हरने स्टेडियम पे ब्लॉग बनाने के लिए। तो आगे जाके देखेंगे पूरा प्लान कैसा होता है। हाँ, मैं आता जाता हूँ स्टेडियम। और अरे ये चालू है। अभी हम इधर हरने में पहुंच गए अंकल के यहाँ पे। इधर थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा आराम वगैरह करके फिर निकलेंगे अनस भाई को लेके ऊपर स्टेडियम। चलो, बहुत गर्म है। आतिम भाई वालेकुम, फर्स्ट टाइम आए? भी फर्स्ट टाइम बताइए। ये अपने अंकल, ये इधर अलग अलग तरह के पेड़ है तो वो सब दिखा रहे हैं अंकल, दालचीन का, फिर संदल। हाँ समझ ला। तो ये पूरी एरिया है वो रिलैक्सिंग के पार्किंग के लिए। उधर वो जो आ गया ना वो ऊपर जिम है। क्या है? शैतूत राजबेरी। आशीष दा हाथ ले। गाइस ये अंडा है गावटी। कोंबड्या ने अंडा दिला नहीं ना? कोंबड्या ने, कोंबड्या ने अंडा दिला। इधर कोंबड़ी भी है और चिमनी के लिए घर लगाए हुए हैं। चल क्या लास्ता है, चल तो जाते हैं अंदर, थोड़ा नाश्ता वगैरह करके फिर निकलते हैं। नासिर भाई और हाथी मैं पधार रहे। तो ये अपने अंकल का घर। इस पे बैठ के जाने का है अभी अपने को। अरे भारी है। देखिए इस इंसान को। अरे तू कहान आदेमी कर देता, आदेमी कर देता। करकाय दम लोस आदे मैं लेट्स गो। अरे जाओ जाओ शुरू। कैसा मजे ना ऐसे उड़ी मार फोन ना रे। हां तंगड़ी कबाब नासिर भाई। चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस। क्या ही भाई चावल और ही मोहब्बत। बैगम 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 ना देखो बैगम बैगम। सो गाइस अभी इधर अंकल के यहाँ से सब कुछ हो गया, आराम वगैरह करके हो गया, अभी निकलते हैं ऊपर स्टेडियम में जाने के लिए।
गाइस अभी रास्ता बन रहा है, मतलब स्टेडियम बन रहा है, तो रास्ता भी अच्छा चाहिए, तो इसके लिए अभी पूरा मतलब जो पहले था वो तोड़ फोड़ के अभी फिर से एक नया बना रहे हैं। बन रहा है मुझे, ये देखो गाइस स्टेडियम, ये हम अभी बाहर साइड में खड़े हैं, अभी अंदर जाएंगे और अंदर से दिखाते हैं पूरा एरिया। तो गाइस ये है एंट्रेंस, ये इधर स्टेडियम है। हम फाइनली स्टेडियम के अंदर आ गए एंट्री वगैरह करके। ये अगर आप पूरा एरिया देखोगे तो ये स्टेडियम का एरिया है, ये पूरा अगर आप लुक देखोगे ना इधर से तो थोड़ा थोड़ा लॉर्ड्स का फील आता है, बहुत ही बढ़िया बना है। नासिर भाई आपको क्या लग रहा है स्टेडियम के बारे में? आंखों में आंसू आ रहे थे, ऐसे लग रहा है इधर हकीकत वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। मैचेस का होती रहता रणजी वगैरह। पूरा स्टेडियम का जो एरिया मतलब बना है ना, बहुत ही सही बना है, थोड़ा लॉर्ड्स का फील। अनस भाई आपको क्या लग रहा है स्टेडियम के बारे में? क्या लगेगा कुछ नहीं। आतिम भाई आपको क्या लग रहा है स्टेडियम के बारे में पूरा? एक नंबर, ऐसा लग रहा है लॉट में आ गए। नासिर भाई हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये नासिर भाई का नया चैनल, कर 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 मस्त थे फोटो। नासिर के के नासिर के के नासिर द बॉस। स्टेडियम के बारे में क्या लग रहा है, कैसे बना है पूरा सब? और इधर से भी पूरा उधर जो एरिया है ना वो शायद स्टैंड्स के लिए बना है, पीछे ये जो पूरा कर्व है उधर स्टैंड्स बनाएंगे, और इधर ये सब देख रहे हो ना ये ऐसे ड्रेसिंग रूम है, और उधर से सीधा आपको बालकनी व्यू ऐसा मिलेगा मैच देखने के लिए, और उधर ऊपर ऐसा डाइनिंग के लिए बना है, तो आप डाइनिंग करते करते मैच देख सकते हो। ऐसा पूरा सब बना है, बहुत ही बढ़िया है। जाएंगे अभी उधर, इधर से कॉफ़ी पियेंगे उधर बैठ के, कॉफी एंड देन तो इधर से जाते हैं अभी उधर बैठ के कॉफ़ी वगैरह पियेंगे, एंड थोड़ा और टाइम इधर बैठेंगे, थोड़े फोटोज वगैरह निकालेंगे। बहुत ही ज़्यादा पीसफुल जगह लग रही है इधर बैठ के यार, बहुत ही सही। अगर आप हंडे में आ रहे हो तो फर्स्ट विजिट एक बार देखने के लिए आओ, मतलब बहुत ही सही बना है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा फोटोशूट वगैरह करते हैं, वीडियोज़ वगैरह निकालते हैं, रील्स वगैरह, तो उसके बाद मिलते हैं। पे बढ़िया पोज देते हुए इन्फ्लुएंसा पोज गाइस, ऊपर से स्काई देखो यार, देखते जाओ गाइस इसका पूरा पेंटेड लग रहा है, मतलब ये स्काई पूरी पेंटेड लग रही है, वाओ। तो अभी हम इधर सामने जा रहे हैं, अरे यार स्काई वो यार ऑब्सेस्ड मीटू मशरूम, और ये देखो मशरूम, ओ या आल द मॉर्कल मैंने मशरूम नहीं ये देखो गाइस, पूरा स्टेडियम देखो यार, देखो और आओ सिट करो। यहाँ से हम लोग अभी दिखाने वाले हिमाचल प्रदेश की कालीघाट की वादिया, वादिया। ये हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं इसके बारे में, देखते हैं क्या क्या बोलते हैं। तो गाइस अभी हम आपको रूम वगैरह सब दिखा देते हैं कि कैसे रूम्स वगैरह है। ये देखो this is going to be basically here we want to start the game spa and game spa and steam bath. We have 24 rooms. 24. So total 24 rooms hai. और अभी चलते हैं दिखा देते हैं कैसे रूम्स हैं।
साथ ये रूम का वेरी नाइस Bangkok. So basically we are coming up with the sports arena in 40 acre land. Okay. Like you're going to have 72 meter swimming pool, Olympic level. Then football, Olympic level. Then we have indoor activities ke liye ek akha building aayega, it's a 5-story building. Over here? That side. This is only for the cricket. Okay. What you are watching and seeing, no? That is only for cricket. दो स्टैंड होंगे, फ्लड लाइट्स होंगे, क्या होता है अभी क्लब्स के अंदर, ये इंग्लिश काउंटी जैसे है, इंग्लैंड के, जो इंग्लैंड के लॉर्ड्स हैं, तो उसमें क्या होता है नॉर्मली स्टैंड थोड़े ज्यादा होते हैं, दिस ग्राउंड तो, लेकिन अपने दो स्टैंड आएंगे यहाँ पे, लेफ्ट और राइट में दो स्टैंड आएंगे. Then फ्लड कोरोना एंड एवरीथिंग, वी गॉट बैक टू इयर्स, पूरा पीछे चले गए हम लोग. So let's see. Great initiative. Exactly. क्योंकि यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ activities है नहीं ना. हाँ क्योंकि mostly मतलब horse riding, paragliding, indoor sports वगैरह वो सब वो side में बनने वाला है. तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा बड़ी जगह है इधर, सब कुछ होने वाला है. और थोड़े साल wait करने के बाद ये room अगर देखोगे तो बहुत ही बढ़िया बनाए हैं room. Wow. ऐसे 24 rooms हैं total. This is fresh room, this is washroom. This is also money making, it's not like that, but it's related to the sports. Yeah. No, I was talking about membership. Yeah, exactly. But right now, if you take a membership, that's a good option. We are starting with it 2 lakh rupees. If you come ahead, then 20 lakhs, 10 lakhs will be possible. Yeah, of course. And our good plan is that you can sell this membership if you don't need it. At that cost. Upar bhi room hai? This is only for the players. Yeah. If you go out there, then we will come from there. Or we will go to play. तो इधर मतलब इंटरनेशनल भी मैचेस ऐसे प्लान है नियर फ्यूचर में? इधर भी अंडर 19 के सिलेक्शन मैचेस हुए हैं क्रिकेट इधर. हां, दिग्विजय वगैरह ऐसे प्लेयर्स वगैरह आते हैं, प्रैक्टिस करने जाते हैं यहां पे. सो गाइस, इधर मोस्ट प्रोबेबली इंटरनेशनल मैचेस वगैरह भी होंगे. उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल जो भी फर्म्स थे उनसे टाइप वगैरह किए, तो होपफुली सब कुछ हो जाएगा नियर फ्यूचर. तो ये व्यू देखो, सेम लाइक लॉर्ड्स. पूरा अगर देखोगे यार, बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक बना है पूरी एरिया जो बना है ना, अंदर आर्किटेक्चर एंड ऑल पूरा एस्थेटिकली प्लीजिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त. मस्ट विजिट गाइज. तो गाइज ये जो पूरा एरिया है वो सिर्फ 4 acres. फोर एकर्स सिर्फ ग्राउंड है, 36 acres और ग्राउंड मतलब ये एरिया 4 acres का है और 36 acres में बाकी सब स्पोर्ट्स का बनाएंगे. मैसिव कैफेटेरिया हो गया. तो ये इधर वेंकटेश सर है, ये इधर जनरल मैनेजर है. इन्होंने हमें सब पूरा एक्सप्लेन किए कि मतलब ये लैंड के बारे में और जो जो उनका फ्यूचर प्लानिंग है ना, और क्या क्या आने वाला है इधर स्पोर्ट्स अरेना, इनका प्लान है पूरा स्पोर्ट्स अरेना बनाना है. तो जो जो इन्फॉर्मेशन थी वो सब इन्होंने दी, तो थैंक यू सो मच सर. थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम. और सब अभी स्टार्ट हो गया तो हाँ, और वी आर ऑलरेडी स्टार्टेड विद द रूम्स, कैफेटेरिया. तो इफ यू लाइक यू कैन स्टे हो या वी हैव स्टार्टेड विद द मेंबरशिप आल्सो. वी हैव डन द एफिलिएशन विद ऑल ओवर इंडिया. ओके, वी हैव अराउंड 450 मेंबर्स
ऑलरेडी स्टार्टेड. तो अगर आपको किसी को आना है तो आप इधर रहने के लिए भी आ सकते हो. वो सब स्टार्ट हो गया है, कैफेटेरिया एंड ऑल. मस्ट विजिट प्लेस है, बहुत ही बढ़िया बना है पूरा. एक बार आऊंगी तो जाने का मन नहीं होगा. हाँ, हम लोग जो स्पोर्ट्स पर हमें पसंद है वो तो हाँ, उनको तो नहीं ग्राउंड देख के जो फील आता ना वो. थैंक यू वंस अगेन सर, नाइस टू मीट यू. थैंक यू वेरी मच. गाइस टू बी ऑनेस्ट, बहुत ही बढ़िया जगह है और अगर आप इधर आ रहे हो तो जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा. तो इधर आओ, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप पढ़ने आ रहे हो तो स्टेडियम देख के जाना. जो भी इनके प्लान्स है, फ्यूचर प्लान्स हैं, जो भी इन्होंने अब तक बनाया है वो भी कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया. अगर आप इधर बैठोगे और वो जो फील है वो लोगे तो आपको समझेगा. और जो रूम्स वगैरह भी बनाए वो भी बहुत ही बढ़िया बनाए. तो आप लोगों को क्या लग रहा है भाई लोग, क्या लग रहा है इधर आने के बाद? आसिर भाई लोग, क्या लग रहा है आपको इधर आने के बाद? जाने मतलब यहाँ पे आने के बाद ऐसा लग रहा है कि इधर ही बैठे रहो और आराम से चिल, जाने का मन ही नहीं हो रहा है. और आराम से नाइट लाइफ देख के मतलब हम लोग जो फील कर रहे हैं ना वो वीडियो की तरह नहीं बता सकते. मतलब वही एक्चुअली हो रहा है कि वो जो भी मतलब हमें फील हो रहा है वो हम वीडियो के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब सब कुछ बहुत ही अच्छा है. इट्स टेस्टी लाइक केएफसी चिकन. आई एम लविंग इट. मी टू. वो गतावक लाइट को एक नंबर वाटे कसम वो भाई लाइव है. इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द आएंगे इधर स्टे के लिए. एक दिन स्टे के लिए तो ज़रूर आएंगे इधर. और अभी हमारा प्लान हो रहा है जिस हिसाब से उन्होंने बताया कि नाइट में, क्योंकि वो इधर ही रहते हैं तो नाइट में इधर जो मज़ा आता है मतलब वो मतलब इधर बाहर जो कैफेटेरिया के लिए प्लेस बनाए हैं उधर बैठ के जो व्यू रहता है और ऊपर का स्टार्स एंड ऑल वो सब, तो इधर वो जो जगह है ना उधर बैठ के. तो अभी हमारा प्लान बन रहा है कि रात में जाएंगे, थोड़ी देर और रुकते इधर मजे लेते हैं. अभी फ्रेंच फ्राइज एंड कॉफी मंगे तो वो खाते हैं. ओके बाय गाइस. सो हियर इट इज फ्रेंच फ्राइज, कॉफी भी आ रही है. और ये देखो ये है फ्रेंच फ्राइज, इधर हम बैठे हैं खाना खाने. और ये है इधर का व्यू. ओके अभी हम थोड़ा खाते हैं. ओके बाय बाय. और ये रोनाल्डो इतने तेजस्वी लोग हैं कि क्रिकेट के ग्राउंड पे खेल रहे फुटबॉल, मतलब कुछ भी. Deco de Colombia, cap a la dreta per Xavi, assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. So guys, stadium का सब हो गया, अभी रात भी हो गई है तो रास्ता थोड़ा खराब है इसलिए हम निकल रहे हैं अभी. और इधर से जाते हैं दापोली, एक जगह पे रुकना है हृदय में, तो चलते दापोली, इधर से निकलते हैं क्योंकि रास्ता बहुत ही ख़राब है. ओवरऑल बहुत मज़ा आया अभी तक, अभी फुटबॉल वगैरह भी खेले और बढ़िया है. मस्ट विजिट दिस प्लेस एंड ठीक है, मिलते हैं आगे जाते जाते बीच में शेर आने वाले उसके. सो गाइस हम अभी इधर दापोली में आए अल्पेक में, इधर थोड़ा खाएंगे और फिर इधर से जाएंगे फिर से घर पे. आतिम भाई को जिंगर, ओके चिकन बेस्टर, जिंगर चीज, अलबैक में आके वेज खाते, अलबैक में आके वेज खाते. कौन है ये जो कुकू मोड़ के नहीं देखा? वेटर कीप इट प्लीज. गाइस ये अपना आ गया है, दिस इज ट्विस्टर चीज बर्गर, जिंगर जिंगर फ्राइज एंड कोक. ओके ओके ऑल गुड. अरे वापस करो हां पर कर से यार, माजा हवा से भी क्लियर. सीआईडी रहा, सीआईडी रहा कर रहा है, तो गड़बड़ है.
अरे गुटखा डाले हो क्या मुंह में? अरे थूक तो मारो। ठीक है, चलते हैं अभी घर। सो वी आर डन फॉर द डे। आज के ब्लॉग में बस इतना। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर करा यार गाइस, शेयर करो। इतना भाई मेहनत कर रहा है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो यार। लाइक इज्जत तुम्हारी, लाइक भी बनता है भाई लोग, इतना बहुत तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं। करो करो, लाइक भी करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू।